इस वीडियो में हम बात करेंगे एनएससी और बीएससी क्या है, एनएससी और बीएससी कैसे काम करता है, तो सब चीज़ जानेंगे डिटेल में इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एनएससी और बीएससी हमारा इंडिया के दो मुख्य स्टॉक एक्सचेंज है। एनएससी का पूरा नाम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना 1992 ईस्वी में हुई थी। एनएससी पर कुल 1600 से ज़्यादा कंपनियां रजिस्टर्ड है। वहीं बीएससी का पूरा नाम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। इसमें कुल 5500 से अधिक कंपनियां रजिस्टर्ड है। किसी भी कंपनी को अपने बिजनेस के लिए लोगों से रुपया लेना हो तो वे अपने कंपनी के शेयर को एनएससी या बीएससी या दोनों एनएससी और बीएससी पर रजिस्टर कराते हैं और आईपीओ के जरिए अपने बिजनेस के लिए इन्वेस्टर से पैसे लेते हैं। कोई भी रिटेल इन्वेस्टर एनएससी और बीएससी से डायरेक्ट शेयर नहीं खरीदते हैं, बल्कि यहां पर एनएससी और बीएससी शेयर को खरीदने और बेचने के लिए दो खिड़कियों के जैसे काम करता है। जैसे आप किसी भी सिनेमा हॉल में जाते हैं तो वहां पर जो टिकट बेचने के लिए खिड़कियाँ होती है, तो नंबर ऑफ टिकट जो उस सिनेमा हॉल का फिक्स है, लेकिन उसे बेचने के लिए अलग अलग खिड़कियाँ होती है। आप अलग अलग खिड़कियों से टिकट खरीदते हैं और जो टोटल टिकट बेचा जाता है जो कि उस सिनेमा हॉल में बैठने की संख्या है, उसी तरह से जो कंपनी रजिस्टर्ड होती है एनएससी और बीएससी दोनों पर, उसके नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स हैं, आप उसे एनएससी से खरीदिए या बीएससी से खरीदिए। और यहां पर जो एनएससी और बीएससी से उससे आप डायरेक्ट नहीं खरीद सकते हैं, तो यहां पर जो एजेंट वहां से हमें शेयर को खरीदने और बेचने में मीडिएटर मतलब कि एजेंट का काम करता है, उसे हम ब्रोकर बोलते हैं। एनएससी में रजिस्टर्ड कंपनियों के ग्रोथ और फॉल को दिखाने के लिए कई इंडेक्सेस बनाए गए हैं, जिसमें मुख्य इंडेक्सेस है निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी ऑटो, निफ्टी फार्मा, निफ्टी आईडी और भी बहुत सारे हमारे इंडेक्सेस हैं, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप। तो इस तरह से जो कंपनियों के ग्रोथ और फॉल है उसको दिखाने के लिए, या कहें अब हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ और फॉल को दिखाने के लिए बहुत सारे इंडेक्सेस बनाए गए हैं। ये जो इंडेक्सेस हैं एनएससी और बीएससी के, वो हमारी इकोनॉमी के ग्रोथ और फॉल को दिखाते हैं, हमारे देश के ग्रोथ और फॉल को दिखाते हैं। वहीं बीएससी में भी बहुत सारे इंडेक्सेस बनाए गए हैं, S&P बीएससी सेंसेक्स, S&P बीएससी स्मॉल कैप, S&P बीएससी मिड कैप, बहुत सारे इंडेक्सेस बनाए गए हैं। कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें हैं आपको ध्यान रखनी है शेयर को खरीदने और बेचते समय, कि अगर आप इंट्राडे करते हैं तो अगर आप एनएससी से शेयर खरीदते हैं तो सेम डे आप बीएससी में शेयर को नहीं बेच सकते हैं। अगर आप सेम डे एनएसई पर शेयर को खरीद कर बीएसई पर बेचते हैं तो आपको 20% की पेनल्टी पे करनी होगी, तो ये बात ध्यान रखना है। वहीं अगर आप डिलीवरी में शेयर लेते हैं, अगर उसमें वॉलेटिलिटी अधिक है, तो आपको कंफर्म है कि T+2 पे आपको शेयर मिल जाएगा, तो आप सेम डे खरीद करके वहां पर बेच देते हैं बीएससी पे, तो वहां पे अगर शेयर आपको मिल गया तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर T+2 डे बाद बेचते हैं आपके डीमैट अकाउंट में आने के बाद शेयर, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी जो सलाह है कि आप शेयर अगर एनएससी में खरीदते हैं तो एनएससी पे ही बेचें, आप बीएससी में खरीदते हैं तो बीएससी पे ही बेचें। आप पहले ही सेलेक्ट कर लें आपको जो ट्रेडिंग करनी है, जो इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके लिए स्टॉक्स को एनएससी पे सेलेक्ट करना है या बीएससी में, दो स्टॉक एक्सचेंज में एक को चूज कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट्स हो आपको स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जो एनएससी और बीएससी है, और साथ ही आपको ये भी बता दें कि इंडिया में बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज हैं, मुख्य स्टॉक एक्सचेंज मात्र दो हैं एनएससी और बीएससी। अलग अलग शहरों में इंडिया के कई और भी स्टॉक एक्सचेंज है जहां पर शेयर की ट्रेडिंग होती है, शेयर की खरीद बिक्री होती है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और कोई सलाह हो तो वो भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा दीजिएगा।